तो कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, लो जी आपके लिए, हमारे जो बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण पेपर लेकर आया हूँ। 9 फरवरी के एग्जाम है और आपको टॉपर बनाने की जवाबदारी मेरी है। एक ही वीडियो में 40 से 50 नंबर का फंसेगा ये पूरे का पूरा, आप तो ध्यान से समझिएगा, है ना। रामेन इति रूपम कस्य विभक्ति अस्ति, तृतीया राजन शब्द से प्रथम व्यक्ति बहुवचन से रूपम अस्ति राजाना, द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति तो यहाँ पर आ जाएगा फलम, ठीक है चलेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो एक वचन से रूपम अस्ति तो राज्ञा है, पर्यावरण से संरक्षणम प्रकृति एव आराधना तो एव, अधोलिखितसु अव्ययो नास्ति तो अस्तु आ जाएगा। यदि हम दूसरे की बात करें तो इसमें देखिए महान आ जाएगा, दूसरे में आपका वृषभम आ जाएगा, तीसरे में रसालम है, चौथे में द्रुत गति आ जाएगा, पांचवें में मुच्यंति आ जाएगा, छठे में आ जाएगा प्रथम का द्वितीय। यहाँ से देखो अब युग्म मेलन, भानुदे, भानुदे का दीर्घ शब्द दीर्घ संधि आ जाएगा, सूरधन ईसा इसमें जाएगा गुण संधि, दशा नम का आपका जाएगा बहुब्रीय समाज, बान हता का तत्पुरुष समाज, पंचवटी में आपका जाएगा दिग्गु समाज और पितरों का जाएगा द्वंद समाज। एक पदेन का आपकी बात करें, कथिता इतस्मिन पदे का प्रत्यय अस्ति तो इसमें कत प्रत्यय आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा प्रत्यय, कत। आज प्लस ताप का आ जाएगा अजा, गतः इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, गता में कौन सा प्रत्यय तो कत प्रत्यय आ जाएगा इसमें भी। अनिसम महानगर मध्य किम प्रचलित तो काला काला यश चक्रम, काक चेष्टा विद्यार्थी की दृशा छात्र मन्यते आदर्शा, और उदय समय अस्त समय चा का रक्त भौती सविता, ठीक है भैया। चलिए आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, मैंने आपसे कहा ना जो चीज़ें बता रहा हूँ उसी में से आपका 100% श्योर फंसने वाला है ना, मैंने नहीं कहा है कि रियल है ना, ये बार बार बच्चे फिर भी ना जाने कैसे कौन कौन से मूर्ख है जो कमेंट करते रहते हैं ना कि यार ये फेक है फेक है, तो भैया दादा रियल जिसके पास मिल रहा देखो, अभी छोड़ो तुम लायक ही नहीं हो इस चैनल लायक, ठीक है। यहाँ से ये चैनल तो उन बच्चों के लिए जो वास्तव में टॉपर बनना चाहते हैं और वास्तविकता बनाना ही है, तो जुड़िए नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। और ये पेपर एक ही पेपर के जवाब ले लूँ 50 से 60 नंबर का फंसेगा। अत्र जीवितम की दृशम जातम, ठीक है यदि हम क्वेश्चन नंबर छठे की बात करें तो अत्र जीवितम की दृशम को हटा देना है और इसकी जगह पर आ जाएगा आपका दुर्वाहन, हो गया। सर्वदा सर्वकार्यसु का बलवती तो ये का हटा देना है और इसकी जगह पर पूरी लाइन लिखनी है, ठीक है। बुद्धि नहीं तो पता चले केवल बुद्धि लिख दो बस इतना नहीं, सर्वदा सर्वकार्यसु बुद्धि बलवती, कस्मात कारणात महानगरेषु संसरण कठिन वर्तते तो ये क्वेश्चन नंबर आपका सातवां जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए आप इसका सॉल्यूशन यहां से लो ये, और इसका अथवा वाला भी ले लेना है ना भैया, ठीक हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आठवां देखते हैं, मातु अधिका कृपा कस्मिन भवती तो मातु अधिक कृपा ये कस्मिन की जगह पर आ जाएगा आपका दुर्बले, दुर्बले सूते भवती, बाल भवात हिमकारा कुत्र विराजते, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जाएगा ये आठवां है ना, ये आठवें का तो वाला ये यहाँ से लो इसका उत्तर है ना, ये हो गया इतना पूरा लिखवा लिया। ऐसा नहीं है बच्चों के द्वारा मैंने, ताकि आपको हमारे बच्चों को कठिनाई नहीं होना चाहिए जो इस चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। निर्धना जना कथम वित्तम उपार्जितवान, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, चलिए इसको भी देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए मैंने भर दिया है, निर्धना जना कथम विपत्त उपार्जितवान तो यहाँ देखिए कथम हटाना और इसकी जगह पर भूरी परिश्रम लिखना है तो पूरा बन जाएगा निर्धना जना भूरी परिश्रम्य उपार वित्तम उपार्जितवान। इसी तरह का की जगह पर आ रक्षा जाएगा, यानी कि वास्तुता चोर कौन था तो कोतवाल जो था ना वही चोर था।
सरस तीरे वसंती, तो इसका आप ढूंढ लेना, नहीं मिला है ठीक है। यहाँ से देखिए छनम एकांतरे कांत आ जाएगा। यहाँ से अपन आगे की बात करेंगे तो पक्षिना को हटाकर पूरा केसाम लिख देना है, पूरा मतलब लिख के ना कि इसको हटाकर केसाम लिख दो, पूरा लिख दो। और क्वेश्चन मार्क मत भूल जाना क्योंकि प्रश्न में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, ये मैंने पूरा भर दिया है। फिर इसके बाद में है आपका का कम कथ्यति, मतलब किसने किसको कहा, तो गच्छ वत्से सर्वभद्र जायते, तो ये इंद्र ने सुर भीम को कहा था और नीचे वाला सुरभि को इंद्र ने कहा था। तीसरा आप देख लेना। यहाँ से अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो इसमें आपके दिए गए हैं श्लोक, क्या दिया गया है, श्लोक दिया गया है। और यहाँ पर अगला है आपका अशुद्ध वाक्यान है तो शुद्ध करना। देखिए पुत्रस्य जो लिखा है ना, इसका आएगा पुत्रेन, बस पूरा लिख देना है, ऐसा नहीं मैं तो यहाँ पर इतना सा लिख रहा हूँ, पूरा लिखना है, पिता पुत्रेन सा गच्छति। शिव नमः, शिव को हटा देना है और क्या लिख देंगे, शिवाय नमः, क्या जाएगा, शिवाय नमः। वृक्षस्य पत्राणि पतंती, तो वृक्षस्य का जाएगा हट जाएगा और वृक्षात इसकी जगह पर आ जाएगा, तो ये वृक्षात हो गया ठीक है। इसके बाद में माता बालकम दुग्ध दधती, तो बालकम का हट जाएगा और क्या जाएगा, बाल काय आ जाएगा। ठीक है भैया, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 तक। इसके बाद में अपन 15 की बात करें तो यहाँ से देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें पहले में आपको यहाँ पर अहिभूक भरना है, दूसरे में राजपुत्र भरा जाएगा, तीसरे की बात करें तो यथा समय आपका हो जाएगा, चौथे में बुद्धिमती हो जाएगा, पाँचवें के अंतर्गत चित्ते आ जाएगा, ये अपन और छठा भ्रसम आ जाएगा, कर लेना है ना। ओके, इतना ही नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसको देखिएगा आप। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्रम संयोजन है, घटना के अनुसार बोलते हैं अपन इसको ठीक है, तो यानी घटना के अनुसार एक बाई सीरियल बाई सीरियल बनाओ। तो देखिए पहला ये है, दूसरा ये बनेगा आपका, तीसरा और ये चौथा। नंबर रट के नहीं जाना, थोड़ा पढ़ के जाना है ना। यदि हम बात करें इसके क्रम संयोजन की, तो अथवा वाला है ये पहला रहेगा, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा रहने वाला है। हो गया, अब है वाच्य परिवर्तन क्रूत, तो ये देख सकते हैं वाच्य परिवर्तन में आपका ठीक है भैयू। चलिए वाच्य परिवर्तन क्या है, कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर ये 17 है, तो ये मैंने बच्चों पे देखिएगा कॉपी में लिखवा लिया, ऐसा नहीं है ना, बहुत सारे हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आए इसलिए ये स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 रहा, ले लो स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा ये, वैसे एक सेपरेट वीडियो में मैं इनको समझाऊंगा, लॉन्ग वीडियो को जरूर देखिएगा ठीक है, वो डाल दिया है चैनल पर, लॉन्ग वीडियो है जो रहेगा ठीक है, बड़ा वीडियो उसको प्ले लिस्ट में जोड़ भी दूंगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 हो गया इसका, अथवा हो गया है ये, अपन यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 हो गया ये, थोड़ा सा इसको देखते हैं, ये यहाँ पर 18 हो गया 18। इसके बाद में इसका अथवा वाला देख सकते हैं, ये यहाँ पर है, हो गया भैया। फिर इसके बाद में अपन आगे की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 19 है जो है, ये तो वाला हो गया 18वां, पहले तो ये 18वां हो गया पूरा, स्क्रीनशॉट ले लिया, ये हो गया, ये इसका अथवा वाला यहाँ पे है। उन्नीस देख सकते हैं आप, ये यहाँ से हो गया है और ये 19 का अथवा है, हो गया भैया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 था और ये 19 का यहाँ पर उत्तर है, ये देख सकते हैं आप, तो और ये इसका थो वाला का उत्तर है, हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसको देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, प्रश्न लिख लिए स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, ये यहाँ से इसका आंसर पूरे के क्वेश्चन नंबर 20 के। यदि हम बात करें तो ये इसका अथवा है यहाँ पर, और ये 20 का अथवा।